हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग रिव्यूज़ एंड क्यूज़ में। दोस्तों, एक बार फिर से लेटेस्ट रिक्रूटमेंट के बारे में आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताएंगे आपको RRB रिक्रूटमेंट के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर कितनी सैलरी होने वाली है और आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, ये सभी इन्फॉर्मेशन हम आपको आज इस वीडियो में देंगे। दोस्तों, हमारे साथ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है नर्सिंग रिव्यूज़ एंड क्यूज़ को, तो दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर कर ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक करें, ताकि दोस्तों सभी नोटिफिकेशन के अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। इसके अलावा दोस्तों, हमारे एक और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है मेडी स्टडी IQ। दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ देख सकते हैं आप इम्पोर्टेंट वीडियोस मेडिसिन से रिलेटेड आपको हम डालते हैं। यहाँ इमरजेंसी ड्रग से रिलेटेड वीडियो डाला गया है। दवा यानी कि जो मेडिसिन से, उनमें IP, BP और USB का क्या मतलब होता है यहाँ पर लिखा गया है। IV कैनुला का पूरा डिटेल में वीडियो बनाया गया है दोस्तों, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आप सभी का इंतज़ार है RRB पैरामेडिकल रिक्रूटमेंट का। जी हाँ दोस्तों, 2022-23 में RRB पैरामेडिकल रिक्रूटमेंट का आप सभी का इंतज़ार जो है वो जल्द ही ख़त्म होने वाला है। तो हमारे साथ पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। दोस्तों, यहाँ पर RRB से 937 या 1937 पोस्ट जो है वो लगभग आने वाली है। टोटल पैरामेडिकल स्टाफ में दोस्तों 1937 के आसपास पोस्ट होगी। यहाँ पर नॉन टेक्निकल जॉब जो है 2022 की वो आने वाली है। यहाँ पर आपको जो है हम बताएंगे किसके लिए कितनी पोस्ट होने वाली है और आपका सिलेबस क्या रहेगा, सैलरी क्या रहेगी। तो यहाँ आप बात करें तो स्टाफ नर्स की और डाइटिशियन की जो है ग्रेड सेकंड 7 CPC पे स्केल रहने वाला है। 44,900 आपका जो है बेसिक पेमेंट इसमें रहेगा। इसके बाद दोस्तों, आपका जो है इसमें पोस्ट होने वाली है डिटेल डेंटल हाइजीनिस्ट, डायलिसिस टेक्नीशियन, एक्सटेंशन एजुकेटर, हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड 3rd, लैब सुपरिटेंडेंट ग्रेड 3rd। इन सभी की यहाँ पर सैलरी जो है 6 CPC के हिसाब से रहने वाली है। फार्मासिस्ट ग्रेड 3rd और रेडियोग्राफर स्पीच थेरेपिस्ट की 29,200 और 5 CPC रहने वाला है। यहाँ पर लैब असिस्टेंट, एक टेक्नीशियन, लेडी हेल्थ विजिटर सभी की यहाँ पर पोस्ट होगी, जिसमें दोस्तों आपको बता दें डाइटिशियन की पोस्ट लगभग 4 होने वाली है। स्टाफ नर्स की पोस्ट 1,109 होने वाली है। डेंटल हाइजीनिस्ट की पोस्ट 5 है। डायलिसिस टेक्नीशियन 20। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी की पोस्ट डिवाइड की गई है। यदि आप चाहते हैं कैटेगरी वाइज आपको पोस्ट बताएं तो भी हम आगे बताएंगे। दोस्तों, टोटल 1937 पोस्ट है जो कि RRB के द्वारा 2022-23 में रिक्रूटमेंट क्लियर करना है और जल्द ही इसका नोटिफिकेशन भी आने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो जो नर्सिंग वाले हैं, स्टाफ नर्स, नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए GNM, BSc नर्सिंग और यहाँ पर दोनों अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों, यहाँ आपका रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है। रिटन एग्ज़ाम यहाँ होगा और वाइवा टेस्ट आपका नर्सिंग ऑफिसर्स का नहीं होने वाला है। मेडिकल फिटनेस टेस्ट आपका होगा यहाँ पर, एंड देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो यहाँ पर आपको जो है सिलेबस इस बार जो है आपका CBT एग्ज़ाम होने वाला है। लास्ट 2019 में भी आपका CBT एग्ज़ाम हुआ था।
अब एक बार फिर से आपका सीबीटी एग्ज़ाम ही होगा जो कि 2022 या 23 में होगा। यहाँ पर 100 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिसमें आप देख सकते हैं प्रोफिशिएंसी एबिलिटी यानी कि आपके इसमें 70 मार्क्स आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड रहने वाले हैं और टोटल 70 क्वेश्चंस भी आपके उसी से रिलेटेड रहेंगे। ईच क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का रहने वाला है। इसके बाद जनरल अवेयरनेस 10 मार्क्स की आपकी रहेगी। जनरल अर्थमेटिक एंड जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आपका 10 मार्क्स की रहेगी। तो जनरल साइंस भी यहाँ पर आपकी रहने वाली है जो कि 10 मार्क्स की होगी। तो इन सभी में आप देख सकते हैं क्या क्या आपका टॉपिक रहने वाला है। तो यहाँ पर जनरल अर्थमेटिक यानी कि मैथमेटिक का दिया हुआ है, जनरल इंटेलिजेंसी का यहाँ पर दिया हुआ है क्या क्या आपका टॉपिक रहने वाला है। यदि आप चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं, पूरा सिलेबस आपको वहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस का सिलेबस आप यहाँ देख सकते हैं। जनरल साइंस आपकी जो है फिजिक्स केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस रहने वाली है जो कि 10th स्टैंडर्ड CBSE रहेगा। इसके अलावा दोस्तों आगे आप देखें तो यहाँ पर आपका RRB के जो अनुसार है आपका सिलेबस वो भी आपका पूरा ऑल नर्सिंग का रहने वाला है। एप्लीकेशन फ़ीस लगभग यहाँ पर 500 और 250 रहने वाली है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको जल्द ही अपडेट दी जाएगी। तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और दोस्तों अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। RRB से रिलेटेड अपडेट पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर 2.7 के सब्सक्राइबर हैं। और दोस्तों यहाँ पर यदि आपको इनकेस यूट्यूब से नोटिफिकेशन नहीं प्राप्त होता है तो सभी वीडियो की अपडेट हम इस चैनल पर डालते हैं। इसके साथ ही दोस्तों सभी नोटिफिकेशंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर अभी लेटेस्ट जैसा कि आप देख सकते हैं जिपमर से नोटिफिकेशन आया है जो कि हमने डाल दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन हम डालते हैं, साथ में कभी कभी क्यूज के क्वेश्चन भी डालते रहते हैं। तो इम्पोर्टेंट अपडेट के लिए दोस्तों अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें।